चतुर्थी का पर्व सेक्टर 1 सड़क 19 में भी एकता गणेश उत्सव समिति द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन अर्चन कर सर्वधर्म एकता की मिसाल के लिए भंडारे का आयोजन भी कराया जा रहा है। पूरे भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सर्वधर्म एकता की मिसाल देखना हो तो सेक्टर 1 सड़क 19 में विराजे गणेश भगवान के पंडाल में आकर देखें। जी हां, एकता गणेश उत्सव समिति के द्वारा सेक्टर 1 सड़क 19 में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा यहां पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विराजित की गई है। प्रतिदिन पूजन अर्चन के साथ रोजाना दोनों पहर महाभंडारे का आयोजन भी यहां पर भव्यता से किया जा रहा है। इस पंडाल में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता की मिसाल देखी जा सकती है। सभी मिलकर एक साथ पूजन अर्चन के साथ भंडारे का आनंद उठाते देखे जा रहे हैं। समिति द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया पंडाल को लेकर दी गई। एकता गणेश उत्सव समिति सेक्टर 1 का ये सड़क 19 का 18वां वर्ष है और यहाँ पर महिलाओं का ही पूरा वर्चस्व है। यहाँ के जितना भी संचालन होता है सब महिलाएं करती हैं, हम तो केवल उनका हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, एकता, भाईचारा और सामाजिक समुदायिकता। जैसे कुजूर, सुशील कुजूर इस पूरे पंडाल का देख रेख वो करते हैं। हमारे साथ सलीम खान जुड़े हैं, जब हम थनौत से मूर्ति उठाते हैं तो सबसे पहले हाथ वो लगाएंगे। लखवीर सिंह हैं, सरदार जी हैं, जब विसर्जन होगा तो सबसे पहले पूजा वो करेंगे और पानी में वो भगवान को विसर्जित करेंगे। और राजेश पांडे पूरे यहाँ का पूजा अर्चना देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके इस गणेश पूजा का संचालन करते हैं, जो कि शायद भिलाई के लिए एक नेक उदाहरण है। मैं चाहूँगा पूरे भिलाई में सब को इस तरह से मिल कर रहें, कहीं कोई भेदभाव जाति पात करना रहे, सब आपस में एक है। और यहाँ प्रतिदिन कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अभी 2 दिन तो बीत गया, आज गजल प्रोग्राम है और हमें एक दिव्यांग कलाकार है शशांक ओझा, आज हम उनको मौका दिए हैं। मैं चाहूँगा भिलाई वालों को आप आइए 7 बजे और यहाँ गजल का आनंद लीजिए। यहाँ प्रतिदिन कार्यक्रम रहता है। एक और बता दूँ, यहाँ प्रतिदिन भंडारा रहता है दोनों टाइम। यहाँ दोनों टाइम कम से कम 100-150 लोग भंडारा खाते हैं। मैं सबको आह्वान करूँगा कि आइए भगवान का प्रसाद ग्रहण के लिए। धन्यवाद। आपका स्वागत है। और ये सेक्टर 1 सड़क 18-19 के बीच में गणेश एकता समिति द्वारा विगत 18 वर्षों से गणेश जी की स्थापना होती है और 11 दिन प्रतिदिन उनके भोग चलता है। दिन में भोग होता है, 150-200 आदमी हमारे यहाँ भोजन करते हैं। रात में आरती के बाद में रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के गेम्स होते हैं और सारी महिलाएँ मिल के इस एक होके एकजुट दिखाते हुए अपने कार्यक्रम को करते हैं। और सर्वधर्म गणेश एकता समिति है, इसमें सारे धर्मों के लोग मिलके हम लोग कार्यक्रम, हाँ बिल्कुल यही कि एकता बनी रहे और हम लोग और भी आगे भी निरंतर इस काम में आगे बढ़ते हुए इस कार्य को सजग बनाते रहें। यहाँ पे मैं लगातार प्रतिवर्ष गणेश जी की दर्शन करने आता हूँ और मेरे आने के बाद ऐसा लगता है कि सर्वधर्म एकता यहाँ प्रतीक होता है। यहाँ गणेश जी को देखने के बाद सभी धर्म के लोग यहाँ मिल के एक साथ बनाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ पूरे भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, भारत भिलाई में इसी तरह का आयोजन सर्वधर्म सब मिल के किया जाए, इससे और भारत की और भिलाई की और पूरी छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ेगी। एकता गणेश उत्सव समिति मिसाल बना हुआ है शहरवासियों के लिए, जहाँ सर्वधर्म की एकता की मिसाल साफ देखी जा सकती है। बहरहाल बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु यहां पर विघ्नहर्ता भगवान का दर्शन लाभ ले रहे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।